हेलो एवरीवन, गाइस मैं हूँ ज्योति, कुकिंग विद ज्योति रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए हम कोई भी मार्केट का सामान यूज़ नहीं करेंगे। घर के इसके सॉसेज हम घर पे ही बनाएंगे और बिना किसी चीज़ के बनाएंगे, कोई नजरुला चीज यूज़ नहीं करेंगे। आप भी बहुत आसानी से 10 से 15 रुपए में इसे घर पे इजीली बना सकते हैं। जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करे बच्चों का, तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाइए, सेफ रहिए। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए पैन लेंगे। पैन में मैंने एक चम्मच मक्खन लिया है और एक चम्मच लिया है मैदा। भूनना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा, इतना कि मैदे का कच्चापन इसमें चला जाए। इसमें अब हम थोड़ा दूध डालेंगे। दूध यहाँ टोटल मैंने 1.5 कप यूज़ किया, 1.5 कप। पहले आधा कप डाल के इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे में कोई गुठली ना रहे, और फिर बाकी बचा दूध भी सारा डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे विस्कर से अच्छे से। विस्कर ना तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थिक हो गया तो इसमें डालेंगे पानी। पानी भी सिर्फ 2 चम्मच के तकरीबन डालना है और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाते रहेंगे। देखिए अब ये इतनी थिकनेस पे आ गया है, इसे घुमाते ज़रूर रहना है, छोड़ेंगे नहीं इसे ऐसे ही। और इसमें डाला है मैंने नमक, नमक का 1/2 चम्मच डाला है, आप थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसे मिक्स करते रहेंगे। देखिए पहले से और भी ज़्यादा थिक हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए अलग बाउल में निकाल कर रख देंगे। ठंडा होने पे ये और भी थिक हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कितना थिक हो चुका है। अब रेडी करते हैं हम रेड सॉस। इसके लिए मैंने लिया 3 कली लहसुन और 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को हम रफली चॉप करेंगे और 2 ही मीडियम साइज के मैंने लिए हैं टमाटर, और टमाटर को भी रफली चॉप करेंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे उबालने के लिए। ये पक चुका है, देखिए इसमें इतना ही पानी बचा है, हमें बहुत ज्यादा तो पकाने की जरूरत नहीं थी। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सर में डालकर, जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल हम यहाँ इसमें रिफाइंड ही यूज़ करेंगे, सरसों का तेल आप ना यूज़ करें, आप चाहें तो बटर में कर सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्याज टमाटर को पहले ही उबाल के पका चुके हैं। जब तेल छोड़ने लगे तो इसमें मैंने डाला है लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ देगी मिर्च यूज़ किया है मैंने। आप चाहें दूसरा तीखा में लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, पर इससे तो तीखापन कम रहता है और रंग भी बहुत अच्छा आता है। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा नमक यूज़ किया है। और थोड़ा डालेंगे पानी, पानी मिक्सर जार में जो पेस्ट लगा हुआ है उसी में थोड़ा पानी डालकर इसमें डाल देंगे, इससे हमारा वो मिक्सी में लगा हुआ पेस्ट भी ख़राब नहीं जाएगा। और इसके बाद इसे अच्छे से हम भून लेंगे और ठंडा करना रखेंगे। देखिए दोनों सॉस हमारी तैयार है और ये व्हाइट सॉस पहले से भी ज़्यादा थिक हो चुकी है। 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। ब्रेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आटा ब्रेड या वाइट ब्रेड। और उसके ऊपर सबसे पहले रेड सॉस स्प्रेड करेंगे, बहुत अच्छे से लगानी है, बहुत थोड़ी थोड़ी नहीं लगाएं, ना लगाएं क्योंकि उससे इसका टेस्ट कम आएगा। अच्छे से लगानी है और किनारे किनारे बहुत अच्छे से इसे स्प्रेड करना है। उसके बाद लगाएंगे व्हाइट सॉस, इसी तरह से उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। गाइस यहाँ मैंने अनियन लिया है ऊपर लगाने के लिए, आप चाहें तो स्वीट कॉर्न भी लगा सकते हैं। एक अनियन के मैंने 4 पीस में से कट किया है और इसी तरह अलग अलग इसकी स्लाइस करके लगाएंगे। और कैप्सिकम को बारीक काट के कर लगाया है। आप कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, और आप इसमें ऑर्गेनो लीव्स और चिली फ्लेक्स भी ऊपर से डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे, अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे ना हो तो थाली लें और उसे ऑयल या बटर से ग्रीस कर लें। इसे मैं आपको 2 तरह से बनाकर दिखाऊंगी, एक तो कढ़ाई में ऊपर, दूसरा तवे पर। कढ़ाई को पहले मैंने प्री हीट कर लिया है और फिर इसमें ये रख रही हूँ, और लगभग 10 मिनट लगेंगे इसे बनने में। और पैन में रखें, पैन में ये बहुत जल्दी बन जाता है। एक नीचे तवा रखेंगे और उसके ऊपर पैन रखेंगे तो ये रेडी हो जाता है। ये देखिए
ये मेरा रेडी हो चुका है। ये कढ़ाई वाला है, ये भी बहुत क्रिस्पी और कितना प्यारा कलर आया है। और बिल्कुल सेम ही तवे वाला बना है, ऐसे कटर से ही नाइफ के हेल्प से कट करेंगे। गाइस बहुत टेस्टी बनता है, आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी कितना क्रिस्पी ये बना है। जब आप ये खाएंगे तो आप दूसरा मार्केट से पिज़्ज़ा मंगवाना तो बंद ही कर देंगे। और बनाना भी इजी है, आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। कैसी लगी गाइस मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।